इलेक्शन बड़ा पुरमन जा रहा था, हमारे एक रुकन ने ये बात उठाई कि वो जब वोट डालने गए तो जो पीटीआई की अराकीन और काफली की अराकीन को बैलेट पेपर जारी किए जा रहे थे, उस बूथ से उन्होंने बैलेट पेपर जारी करवाया तो देखा कि बैलेट पेपर के ऊपर भी नंबर दर्ज और काउंटर फॉयल पे भी नंबर दर्ज। तो ये इलेक्शन आईनी तौर पे गलगम है। उनके नमरान को कुकड़ी माफिया का सरगना बैठ के अपने दफ्तर से उस चैम्बर से बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहा था, लेकिन हमारे में से किसी मेंबर ने और जो आपका सर्जेंट ऑफ लॉ आपका पूरी फोर्स है उनमें से किसी ने एक उंगली तक भी इनके मेंबर को नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, हाई कोर्ट की रूलिंग और आईने पाकिस्तान के तहत खुफिया राय शुमारी के तहत होने वाले इलेक्शन में वोटर की शनाख्त के लिए लगाए गए सीरियल नंबर जो बैलेट पेपर पर और काउंटर फॉयल पर मौजूद है, ये गैर आईनी फेल है, धांधली का एक मंसूबा है। बैलेट पेपर की कॉपी किसने छीनी, किसने उछाल के जो है वो अपने कैंप की तरफ और अपनी गैदरिंग की तरफ और अपने बेंचों की तरफ फेंकी, किस फिर मेंबर खातून ने नून लीग की किस अंदाज से जो है उस कॉपी को काबू करके छुपाया। अब इस माहौल में इलेक्शन किस तरह मुमकिन है, ये कानूनी और आईनी तौर पे इलेक्शन चल नहीं सकेगा, ये जो भी कानूनी चाराजुई करनी हुई करेंगे। छोटू तारड़ ग्रेड 16 के मुलाजम जिसने पिछले 5 साल टेन्योर में अपने दादा अबू की अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, लेकिन जो उनकी आला और अरफा करप्शन, पद्यांती, रिश्वत, ब्राइबरी, खरीदो फरोख, जजों की खरीदो फरोख की जो कुर्बानियां थी, जो सलाहियतें थी, उसके रिवार्ड में जो ग्रेड 16 इसको शहबाज शरीफ ने अपने असेंबली सेक्रेटरियट में दिए रखा और उसके बाद अब पिछले 3.5 साल से अपना जाती मुलाजिम और पकड़ बना के रखा। आज रात अगर कोर्टों को खोलने की सदा करनी पड़ी तो अगर उनके लिए कोर्ट खुल सकती है तो हमारे साथ जाती हुई हमारे लिए भी कोर्ट खुल सकती है। वाज़ेह शिकस्त इनको नजर आ रही है। इंशाल्लाह सप्तान खान साहब भारी अक्सरियत से आज का इलेक्शन जीतेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।